आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। योगी सरकार ने यूपी के प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर रोक लगाने का मन बना लिया है। दरअसल बीती रात योगी आदित्यनाथ ने करीब 6.25 घंटे तक मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। ये मीटिंग शाम 6 बजे शुरू हुई और रात 12:15 बजे तक चली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मैराथन मीटिंग में सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की, साथ ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा को लेकर प्रेजेंटेशन भी देखा। इस दौरान प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी, फीस और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। की बातचीत हो रही है, बच्चों के भविष्य को ले यह रहा कि हम किस प्रकार बच्चों में को एजुकेशन को बेहतर कर सके। टीचर समय से स्कूल में आए, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको 100% बच्चों का नामांकन हो ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। सर, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर कुछ कहा गया? इसमें ये है कि हम लोग एक व्यवस्था देखें कि कोई मनमानी अगर हो रही है, किसी प्रकार का फी स्ट्रक्चर को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो इसको हम लोग इसको रैशनलाइज करने के लिए। क्या मेनली लेट नाइट तक सर बातचीत हो रही है? सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी पे रही कि बच्चों के एजुकेशन के स्तर को कैसे हम बेहतर करें और 100% बच्चों की उपस्थिति हम लोग विद्यालय तक। कल्चर पर बदल रहा है, इतनी रात तक बैठक नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोग को मैराथन ये काम करना चाहिए और अब यहाँ भी करना चाहिए। फील्ड में जो लोग ऑफिसर काम कर रहे हैं, इतनी देर रात तक बैठक चली है, क्या अच्छी बात है। ये एके सिंह बेसिक शिक्षा सचिव थे जो कि अभी भी बैठक करके निकले हुए हैं। जाहिर है कि योगी सरकार की बैठक जो है वो काफी देर रात तक चल रही है और ये पता चलता है कि इस समय योगी सरकार किस तरह से एक्शन में है। शिक्षा विभाग से संबंधित उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, इनके संदर्भ में बृहत समीक्षा पूरे विभाग की हुई। 100 दिनों के भीतर हमको कौन कौन से काम करने हैं, पूरे वर्ष का टारगेट हमको क्या लेना है और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमको किन किन टारगेट को पूरा करना है, बड़े विस्तार से माननीय मंत्रीगण और उनके साथ में जो अधिकारीगण थे उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण रखा है और एक विजन तय किया है कि हमको किस लक्ष्य के साथ में, किस तन्मयता के साथ में काम करना है। मुख्य विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में नकल को रोकना, गुणवत्तापरक शिक्षा को देना और जो शिक्षा का कैलेंडर है उसको तय करना, साथ में प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत भी रोजगार के और व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से हम युवाओं के लिए रोजगार का नया सृजन कर सकें।